ना पुत मेरी सुन गल। हाँ जी चलो ठीक है मम्मी जी, अज फिर इदा ही होएगा। चंगा पुत। हाय मम्मी जी की करन दे जी, तुसीं छड्डो मैनूं। मम्मी दसो फिर हुण किद्दां करना आ? करना की आ, इहदा इत्थे काम खत्म कर। हाँ ना वा तैनूं तां अज मैं दसना आ। पिछे जा मम्मी। वे पुत छेती कर, कितने कोई आ ना जावे। ओए की करी जांदे तुसीं, छड्डो मेरी भैन नूं। वे पुत अहीं की करन डए हां, कुछ भी नहीं। बस करो भैन जी, अपनी सफाइयां नूं दो, अहीं सारा कुछ अपनी अखां नाल वेख लिया जो तुसीं करन डए जी। मैं करदा हुण पुलिस नूं फोन, तुहानूं जेल दी हवा खा के हुण अक लाएगी। छड्डो मैनूं। नहीं वीर, तुसीं पुलिस नूं फोन नहीं लाउणा, ये बड़े जालम लोग ने, इन्हां नूं तां जेल दी हवा खा के भी अकल नहीं आउणी। नहीं भैणे, जुलम करना भी पाप आ ते जुलम सहना भी पाप आ, मैनूं पुलिस बुला लैंदे इक वारी। नहीं वीर, अद्धे लोग इन्हां नूं माड़े कहणगे ते अद्धे मैनूं, मैं पुलिस नहीं बुलाउणा चाहुंदी। ठीक है भैणे, जिद्दां तेरी मर्जी, पर इन्हां जालम लोकां कोल मैं तैनूं एक मिंट भी नहीं रहण देणा। चल साडे नाल तूं। चल पुत मेरे नाल, एक मिंट नहीं रहण देणा इत्थे तैनूं। वे पुत चंगा होया ये अपने गलों लथ गई आ। ओ मम्मी चंगा ते होया आ, पर शुक्र करो किरण दा जिन्ने अपने भरा नूं पुलिस नूं फोन करन तों रोकता। जे किरण ना रोकदी उहनूं ते अज आपां जेल दी हवा खाण डे होणा सी। पुत इक वारी ते मैं वी डर गई हाँ जिदा इहदा भरा बोलण डिया सी। ते होर की आ, चलो शुक्र करो बचा हो गया अपना। चल पुत हुण आपां तेरे वास्ते ना सोहणी सुनखी ते वधिया जी कुड़ी वेखांगे ते इहनूं तलाक दे दांगे। हाँ जी मम्मी, एक गल तो सही है तुहाडे वाली भी। चलो मैं इदा करदा फिर, हुण वकील नाल गल करदा आ ते तलाक दे जिहड़े पेपर ने उह तैयार करो उहनां नूं कह के मैं। ठीक है पुत। पुत कीती फिर वकील नाल गल? हाँ जी मम्मी, कर ली गल मैं। अच्छा ते की कहिंदा वकील? कुछ नहीं, कहना की है कहिंदा कोई गल नहीं, तुहाडे पेपर जल्दी तैयार हो जाणगे। ठीक है। हाँ जी चलो मम्मी, एक गलों तो हुण वधिया हो जूगा, जे वीर दा तलाक हो गया ना फिर साडा इह बला तो खैड़ा छुट जूगा ते फिर आपां वीरवार ते ना किसे तगड़े घर दी ते सोहणी सुनखी कुड़ी दा रिश्ता वेखांगे। ते होर की पुत, हुण आपां तेरे वीरवार ते सोहणी सुनखी ते तगड़े घर दी कुड़ी दा रिश्ता वेखांगे। ओ रिश्ता बाद चों वेख लिओ, पहलां चाह ते प्याल दो घुट बणा के, जदों दी गई है तुसीं ते किते चाह बणी प्याली। कोई नहीं पुत, मैं बणाउणी आ चाह। जाओ की गल भैन, सब्जी अज आप चीरन दी, किरन कित्थे गई आ? की दसां भैन, वो ते नव नाल लड़के पेके चल गई आ। भैने मैनूं सब पता आ, मेरे तो कादा उल्ला, नाले ना साडी सांझी कंध आ, तुहाडे घर दीआं गल्लां सारीआं साडे घर सुणदीआं ने। शुकर करो उहनां ने किते पुलिस नहीं बुलाई, जे किते पुलिस बुला लैंदे ना अज तुहाडे घर ताला लग जाणा सी। भैने सुखी सांदी चज नाल बोल, नाले साडे घर नूं ताला क्यों लगे, अहीं उहनूं घरों बाहर थोड़ा कढ़िआ वा, वो ते अपनी मर्जी नाल गई आ। भैने वह बेचारी दुखी होई गई है, तुहाडे घर नित दा कलेश हुंदा ही, तू भावें दस चाहे ना दस, तुहाडे घर दी गल साडे घर सुणदी है, वह बेचारी चीकां मारदी हुंदी ही। तू बहुतियां गल्लां ना बना, इह साडे घर दा मसला ही आपे वेख लांगे। ठीक है भाई, मैं की लैणा तुहाडे घर दीआं गल्लां विचों, जिद्दां मर्जी तुसीं करो। ठीक है मैं चलदी हाँ। किड्डी आई ही वड्डी किरण दी हिजड़ी। ਮੰਮੀ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪੁੱਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਓ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੰਮੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਰਨ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਨਵ, ਤੂੰ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ।
पक्या पकाइया खाते होंगे ही नवा ही स्यापा पा लिया गल। चल कोई गल नहीं, नव का तलाक हो जाएगा तो आपे होर आ जाएगी। छड मना, तू की लेना किरण के कपड़े वेख के। ना कीती फिर वकील ना गल? हाँ जी मम्मी, वकील ना कीती है मैं गल, ते उन्हें तलाक दे पेपर किरण कर भेजते आ। चल पुत, ये तो बड़ी वधिया गल आ, कागजा तो सैन तो उन्हें कर ही देने आ, क्यों अं तंग जी उन्होंने बड़ा किया ही, हूँ नहीं आँदी मुड़ के इतें वो। हाँ जी मम्मी, तंग तो उन्होंने अं बड़ा किया वैसे। वे पुत तू की सोचने लग पा? सोचना की है मम्मी, कुछ भी नहीं बस। वे पुत तू फिकर ना कर किसी गल की, एक बार तलाक हो लें मैं कर दी है तेरी मासी ने गल, तेन सोने वर्गी कुड़ी लिया के देवे। चलो ठीक है, तुम करो जाके मासी ने गल, तो मैं आया डंगर बन के। चंगा। मम्मी कर ली फिर मासी नाल गल? आहो पुत कर ली है। की कहिंदे आ? ओ कहिंदी कुड़ी ब्याई ही ते उहदा तलाक होया वा, ते उहदा रिश्ता मैं करा दिंनी आ, ते मैं उहनूं साफ मना करता वी सानूं कुवारी कुड़ी दा रिश्ता चाहीदा वा, ते आंदी ही ना वी ते ब्याया वा। चलो कोई गल नहीं मम्मी, तुसीं टेंशन ना लओ किसे गल दी, जो होएगा देखिया जाएगा। चल चंगा पुत, मैं वी फिर कम कर लां, किन्ने कम पए करन वाले। ठीक आ पुत, चलिया किते? हां जी मम्मी, शहर चलिया। काम ही कोई करता है? काम ही है माड़ा जहा। अच्छा, तो पुत जाता जाता चाची अपनी सुना दे जी भी मेरी मम्मी तुम बुला डई ही। चंगा। सारा दिन लंघ जाता काम कर करके, अद्धी रात हो जाती तो काम मुकन का ना नहीं लेंदे, मेरी तो मत वजी पई काम कर करके। हाँ भैने, किवें बुलाया ही मैनू? आ जा बह जा भैन, होर सुना सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, वधिया, अपने तुसीं सुनाओ? ठीक है भैने, आपां वी। अच्छा तू किवें बुलाया ही भैन फिर अज मैनू? मैं ना तेरे नाल नव दे रिश्ते वालों गल करनी ही, उहदे वास्ते कोई कुड़ी लभ सोहणी सुनखी, किरन नालों ते उहदा काम निबड़िया ही समझ। भैने व्याहे वरे नूं रिश्ता करवाउणा बड़ा औखा हुंदा आ। क्यों औखा कदा हुंदा आ? हीरे वर्गा सुख ना पोते आ मेरा। भैन हीरे दा मुल वी इक्को वारी पैंदा आ, बार बार ते उह वी कोडियां दे भाव हो जांदा आ। ना ये की मतलब होया भैने तेरा कहन दा? भैने तलाकशुदा मुंडे नूं कोई कुड़ी नहीं देंदा, लोकी कहिंदे आ पहली नहीं इहदे कोल रखी गई ते दूजी किदां रख लूगा। नाले भैने आइलस करके कुड़ियां हुण बाहर जाण दियां ने, इत्थे ते कुवारियां नूं रिश्ता नहीं होण डिया, तलाकशुदा नूं कित्थों रिश्ता हो जूगा? मेरी निगाह च है नहीं कोई कुड़ी नव वास्ते। चल चंगा भैण, मर्जी है तेरी फिर। चल चंगा फिर, मैं चलदी हाँ। ठीक है। हाए मैं मर जाए, तो काम ही बड़ा खराब होन दिया, जे मैं नव की मासी ने आख्या रिश्ता कराने वालों तो उन्हें भी मना करता, तो जे हूँ मैं चाची ने सद्या भी नव न रिश्ता करा तो उन्हें भी मैंने जवाब देता, तो जे ना रिश्ता होया तो फिर मैं की करांगी? पुत हा कागज का हाथ च फड़ी आना वा। मम्मी मैनू लगता है कि ये ना तलाक दे कागज आ, ते डाकिया फड़ा के गया मैनू। अच्छा पुत, वेखा भला करते सैन किरने? देखदा मम्मी। की होया पुत? होना की आ, नहीं सहन किए किरण ने। ये बुला पता नहीं क्यों नहीं हाडे गलों लेंदी, मैं तो किन्ने सुपने वेखे भी सोहनी सुनखी कुड़ी लियावांगे तेरे वास्ते, पर इन्हें हाडा खेड़ा नहीं छड़ना। बस कर जा मम्मी जी, मेरे तो अगे सिर दर्द हो रही है, तो तुम उत्तों हाफ जी गल करी जान डे जी मेरे नाल, जाओ जाके चाह बना के लियाओ घुट। मैं तो अजे हूँ रोटी टुक करके हटी हाँ, जा तू चाह आपे बना ला जाके, नाले मेरे लिए तो विके लिए भी बना ली। मैं चाह बना के लियावा? होर की तेरी इतने चूड़े वाली बैठी आ जिहड़ी तेनू बना देगी चाह?
वे जा बना ला चाह हुण जाके इत्थे बैठा की करी जाना है। आ लो मम्मी चाह। वे चाह च मिठा ते भोरा पा लेना है। मम्मी मैं पहली बार चाह बनाई हाँ, मैनू की इस गल का पता चाह दे विच किन्ना मिठा पैंदा किन्ना नहीं। पुत तेरा जिन्ना चिर दूजा विआह नहीं ना हुंदा उन्ना चिर तैनू कम धंधे तो सारे मेरे ना कराउणे ही पैणगे। तो नाले वकील नू गल करके पुछ भी किरन सैन नहीं करन डई तो उहदे को सैन किदां कराईए। मम्मी मैं करदा वकील नाल हुणे गल फिर। ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਫਿਰ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਰਨ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਮੀ, ਕਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਅਦਾਲਤ। ਖਰਚਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ? ਮੰਮੀ ਜੇਕਰ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਕੇ ਬੈਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲਵੇਗੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਡਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਡੇ ਕਸੂਤੇ ਨਾ ਫਸਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਸੂਤੇ ਨਾ ਫਸਦੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿਆਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੰਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਹ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਤੇ। ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਹ ਮਾਰਨਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਡੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜੂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਊ ਹੋਰ। ਮੰਮੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਭਰਾ ਉਦਨ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਵੇ ਪੁੱਤ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੰਮੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਗਲਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਧਰਨ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਮੰਮੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ।